मीडिया पर तो ऐसा नियंत्रण कर लिया है कि हम थोड़ा बहुत मेरा छापेंगे लेकिन बाकी कुछ नहीं छापेंगे, अब उधर से अंड बंड छापेगा वही सब छाप देंगे। तो इस तरह तरह की बात है, क्या करें। तो अभी तो अगला साल के चुनौवा तक या इसी साल चुनाव कराए जब उस समय तक आपको तो इधर उधर करना, लेकिन उसके बाद मुक्ति होगी, आप फिर स्वतंत्रता के साथ आप सब बात लिखिएगा। अब बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अब भारतीय पत्रकार के समर्थन में आए हैं। दरअसल एक सभा को संबोधित करते वक्त बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि आजकल पत्रकार को बड़े बड़े पार्टी हाईजेक करके रख लिए हैं, उन सभी को खबरों को बड़े प्रमुखता से लिखते हैं, चलाते हैं और हम लोगों का छोटा छोटा सा चला देते हैं। और 24 के बाद हम सभी पत्रकारों को प्रमुखता देंगे और सम्मान देंगे। यह इशारा कहीं ना कहीं पत्रकारों के समर्थन में था, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री जाने माने श्री नीतीश कुमार जी हाल के डेट में और पीएम के चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं और पीएम पद की दावेदारी का अपना दावा ठोक रहे हैं। मनीष कश्यप पत्रकार आज तमिलनाडु के मदुरई जेल के सलाखों के पीछे हैं, उनके लिए हर दिन ट्विटर पे 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 ट्वीट होते रहता है। मनीष कश्यप के मामले से आज कौन रूबरू नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पत्रकारों के समर्थन में आए और कहीं ना कहीं यह भी इशारा है कि मनीष कश्यप को जल्द बिहार लाया जा सकता है, क्योंकि हमेशा से जब भी बिहार के कोई छोटा सा यूट्यूबर होता, छोटा सा पत्रकार होता, डिजिटल मीडिया के पत्रकार होता, प्रिंट मीडिया के पत्रकार होता, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की चर्चा करते जरूर है। और मनीष कश्यप के साथ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी का चर्चा जरूर होता है। दोनों पे आरोप लगते आता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी पर मनीष कश्यप को तमिलनाडु के मदुरई जेल के सलाखों के पीछे भेज दिए हैं, इनके ऊपर आरोप हमेशा से लगते आया है। लेकिन नीतीश कुमार का यह बयान सभी लोगों को सुखमय देने की खबर आई है और सभी लोगों को एक शांति, एक पॉजिटिव वे में दिखाई दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु के मदुरई जेल में भेज चुके हैं, ऐसा लोगों का आरोप रहता है, अब उनके समर्थन में कहीं ना कहीं बिहार के सीएम आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पे हमेशा से आरोप लगा है कि जैसे मनीष कश्यप अपने यानी कि जेल जाने से पहले फेसबुक पेज पर लाइव आते और कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी अगर हम जेल गए तो कान खोल कर सुन लीजिए, 180 दिन के अंदर आपकी सरकारें हम गिरा देंगे, तो यह बात कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को खली, ऐसा आरोप प्रत्यारोप और बिहार के डिजिटल मीडिया के पत्रकार और बिहार के आम जनमानस और मनीष कश्यप पे चाहने वाले लोग तेजस्वी यादव पे आरोप लगाते आए हैं। लेकिन नीतीश कुमार का यह बयान पूरे सोशल मीडिया के पत्रकार को, डिजिटल मीडिया के पत्रकार को, मनीष कश्यप के समर्थकों को और बिहार के आम जनमानस को सुखमय देता है और एक पॉजिटिव वे दिखाता है कि अब जो सही मायने में धरातल पर पहुंचकर जो पत्रकार सच्चाई को दिखाता है, भले आज के नेता और आज के अधिकारी और आज के भ्रष्ट अधिकारी उन पत्रकारों को यूट्यूबर का दर्जा दे देते हैं, तमाम तरह की बातें उन पे आरोप लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वही पत्रकार बिहार की समस्याओं को हकीकत रूप में दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के सीएम भी अब ऐसे पत्रकारों के समर्थन में आते नजर आए। तो यह खबर मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद हम पत्रकारों को सम्मान देंगे, पत्रकारों को जगह देंगे, लेकिन एक सवाल नीतीश कुमार जी पे भी रहेगा कि आज क्यों नहीं। आप ही के बिहार का बेटा है मनीष कश्यप और मनीष कश्यप से जुड़े तमाम तरह के डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं जिन पे आपके अधिकारी, आपके नेता, आपके मंत्री संतरी सभी लोग हथकंडे चला रहे हैं, उनको पत्रकार तो मान ही नहीं रहे हैं। एक बात तो छोड़िए, पत्रकार मानने से इनकार कर रहे हैं, उनके कामों को भी इनकार कर देते हैं। हालांकि अगर आप एक पक्ष विपक्ष छोड़कर एक सत्ता के एक सही मायने में मुख्यमंत्री के रूप में आप देखेंगे तो सही मायने में वो डिजिटल मीडिया के पत्रकार ही, जिसे आप फेसबुक पर वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, सही मायने में वही काम करते हैं, क्योंकि धरातल पर पहुंचकर खबरों को दिखाना उससे हकीकत कुछ और नहीं हो सकता। वो लोग तो कोई स्टूडियो में बैठकर वहां का फोटो वीडियो फुटेज लेकर चला देते हैं, वीडियो फुटेज से आप कितना स्पष्ट कर पाएंगे ये आपको भी अंदाजा जरूर है, लेकिन जो पत्रकार धरातल पर पहुंचकर आम जनमानस से जिनके साथ समस्या होता है, जिनके साथ घटना घटा होता है, उनसे पूछता है, तो वो चीजें अलग हो जाती है।
बाकी मनीष कश्यप समर्थकों के लिए और बिहार के आम जनमानस के लिए यह बड़ी ही बड़ी खबर थी। बाकी आप सारे देख रहे थे, वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।